स्वागत है आप सभी का इन खबर में। मैं आपके साथ रूपाली। 30 दिसंबर 2023 ये वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंचकर अयोध्या वासियों को अयोध्या एयरपोर्ट कई योजनाओं जैसी सौगात दी। साथ ही साथ रोड शो भी किया, लेकिन उसी रोड शो के दौरान पीएम मोदी अचानक से उज्ज्वला योजना लाभार्थी के घर जा पहुंचे, जिनका नाम था मीरा मांझी। मीरा मांझी के घर पहुंचकर उनके लोगों से, उनके परिवार वालों से मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने, और साथ ही मीरा मांझी के हाथ की बनी हुई चाय का भी लुत्फ उठाया। जिसके बाद 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीरा मांझी को और उनके परिवार वालों को चाय पीने का और उनसे मुलाकात करने के बाद रिटर्न गिफ्ट भेजा है। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कई गिफ्ट्स के साथ और साथ ही एक पत्र भेजा है मीरा मांझी को। पत्र में पीएम मोदी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, जहां उन्होंने कहा है कि उन्हें मीरा मांझी के घर रुककर बेहद अच्छा लगा, उनके परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें बहुत अच्छा लगा, साथ ही उनके हाथ की बनी चाय पीकर उन्हें आनंद आया। वहीं साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उज्ज्वला योजना के 100 करोड़ लाभार्थी सिर्फ अंक बराबर नहीं है, बल्कि वो लाभार्थी पीएम मोदी के लिए वो लोग हैं जिनके सपने साकार हुए हैं, और वो बेहद खुश हैं कि वो इतने सारे लोगों के सपने साकार कर पाए। साथ ही पीएम मोदी ने मीरा मांझी को पत्र में ये भी लिखा है कि अपने घर पहुंचकर उन्होंने कई टीवी चैनल्स पर मीरा मांझी और उनके परिवार वालों का इंटरव्यू देखा, जिसको देखकर वो बेहद प्रसन्न हुए। उनके सहज ढंग से उन्हें काफी खुशी मिली। साथ ही पीएम मोदी ने आपको बता दें कि गिफ्ट सेट में टी सेट भेजा है। जी हाँ, पीएम मोदी ने मीरा मांझी को गिफ्ट में टी सेट दिया है, साथ ही उनके बच्चों के लिए कलरिंग बुक्स भेजी है और भी कई उपहार पीएम मोदी ने एज अ रिटर्न गिफ्ट मीरा मांझी को भेजे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उनको मीरा मांझी से और उनके परिवार से मुलाकात कर बेहद अच्छा लगा और चाय पीकर वो बेहद प्रसन्न है। बहरहाल, इस सब पर आपका क्या कहना है? पीएम मोदी के दिए हुए गिफ्ट आपको कैसे लगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।